आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आइए दर्शकों, हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज के ऊपर। मैं जाबिर शाह, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। आज मालेगांव शहर के अंदर महाराष्ट्र की शिवसेना की तोप बोले जाने वाले संजय राउत आज मालेगांव शहर आए हुए हैं, क्योंकि 26 मार्च को मालेगांव शहर में अध्यावा हीरे की नेतृत्व के अंदर मालेगांव शहर एमएचजी कॉलेज ग्राउंड के ऊपर एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर उद्धव बाळासाहेब शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की यहाँ पर जनसभा होने वाली है, जिसमें कहीं लाखों लोगों की आने की शंका बताई जा रही है। यहाँ पर जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है, हम देख रहे हैं कुछ दिनों से अध्यावा हीरे गांव-गांव एक एक गांव के अंदर जाकर वो खुद रैलियां कर रहे हैं, वो खुद कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और इस 26 तारीख के होने वाले जन महासभा के ऊपर उनका मेहनत चालू है कि इस पर लाखों लोगों के आने की शंका है, और जिसका नियोजन लगाने के लिए, जिसकी ऊपर पूरी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर संजय राउत आए हुए। आप देख सकते हैं कि ये पूरा गाड़ियों का जो एक काफिला यहाँ पर मतलब लगाया गया हुआ है। यहाँ पर मालेगांव शहर के अंदर बहुत दिनों के बाद यहाँ पर जो है तो एक बड़ी जनसभा उद्धव ठाकरे की होने वाली है, जो महाराष्ट्र के अंदर जब से सरकार बदली हुई है, सरकार पलटी हुई है, तब से लेकर अब तक महाराष्ट्र के अंदर सरकारों को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। मालेगांव शहर के अंदर इस सभा का आयोजन करने को लेकर ऊपर तक की रणनीतियों के अंदर कुछ नए बदलाव और नए तरतूद देखने को मिल रहे हैं। कि सभा से कुछ दिन पहले संजय राउत का मालेगांव आना, एक सवाल उठता है कि संजय राउत सभा से पहले मालेगांव क्यों आए और क्या क्या बात है। यहाँ पर महाराष्ट्र के उप नेता उद्धव बाळासाहेब शिवसेना के जो उप नेता बनाए गए हैं चंद दिनों पहले, कुछ दिनों पहले उद्धव बाळासाहेब शिवसेना के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ा पद जो अध्यावा हीरे को दिया गया है, जिसके नेतृत्व में आज एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन मालेगांव कॉलेज ग्राउंड के ऊपर किया गया। तो आइए बात करेंगे संजय राउत से कि वो मालेगांव शहर क्यों आए हुए हैं और क्या मकसद है सभा से पहले संजय राउत का मालेगांव आना, क्या मकसद रखता है, क्या बातचीत है। आप पत्रकार परिषद देते हैं, बात करते हैं संजय राउत से, मुलाकात करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हर वो खबर जो आप देखना चाहते हैं। आप इस तरह से खत्म कर दी, ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है, निजाम का संदेश है, झुक जाओ या जेल में जाओ, जो नहीं झुकेंगे वो जेल में जाएंगे या उनकी राजनीति खत्म की जाएगी। अब वो जो नहीं लड़ेंगे, जो लड़ना नहीं चाहते, वो सभी गुलाम बनने की तैयारी करनी चाहिए। मेरी पार्टी और मेरे पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने दो निर्णय लिया है राहुल गांधी जी के बारे में, लोकसभा का सदस्य तो खत्म करने का उसका धिक्कार किया है, और उद्धव जी का ये कहना है, उद्धव ठाकरे साहब का ये कहना है, ये लड़ाई अब शुरू हो गई है और ये जंग अब खत्म नहीं होगी जब तक लोकतंत्र की जीत नहीं होगी। हम पूरी तरह से मेरी पार्टी की भावना राहुल गांधी जी के साथ है, और जरूर पूरे देश को एक सदमा लगा है कि किस तरह से ये सरकार अपने विरोधियों को कुचल रही है। सभी जो एजेंसीज का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करके, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे संसद हो, सभी की स्वतंत्रता खत्म कर दी। सर मराठी मराठी में रखना कल की सभा जो है 26 तारीख की, मैं मानता हूँ महाराष्ट्र के अब तक के सबसे बड़ी सभा होगी। उद्धव ठाकरे साहब का आगमन होगा 26 तारीख को, और मालेगांव की भूमि से महाराष्ट्र को, देश को एक बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। और जगह पे सर पोस्टर भी थोड़े फाड़े गए हैं, और परसों आपका पुतला जिस दिन फूका गया उस दिन सिर्फ 68-70 की ही कार्रवाई की गई। देखिए ये सत्ता है, ये सत्ता की मस्ती होती है, लेकिन ये सत्ता ज्यादा देर नहीं चलने वाली है। हमने जो आरोप किया है, आरोप नहीं सच कहा है,
यहाँ के जो गार्डन मिनिस्टर है उसने गिरना शुगर फैक्ट्री के बारे में जो भ्रष्टाचार करप्शन किया है उस बारे में हमने कुछ सवाल पूछे। यहाँ के किसानों का पैसा है कहाँ गया पैसा 175 करोड़ रुपए, ये अगर हमने पूछा है तो आपकी दाढ़ी को आग लग गई क्या? तो हम सवाल पूछेंगे आपको, आपको हिसाब देना पड़ेगा नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। त्यांनी असं सांगितलं की आमच्या आरोप सिद्धतरेत आम्ही राजकारण सोडून त्यांनी असं सांगितलं आरोप सिद्ध आरोप सिद्धतरेत आम्ही राजकारण सोडून आरोप सिद्ध नाही आरोप हे मी आरोप नाही मी सत्यच सांगतो हे हवेतले आरोप नाहीये। तुम्ही पैसे गोळा केले शेतकऱ्यांच्या नावावर बरोबर आहे 175 कोटीचा हिशोब तुम्हाला द्यावा लागेल ते आधी पूर्ण हिशोब द्या आणि मग बघू कोण राजकारण सोडतंय। त्यांनी असंही म्हटलं होतं की जर माफी मागितली नाही मालेगावकरांची आपण मालेगावला आलेलो आहे मालेगावात आलेलो आहे माझ्या आजूबाजूला आपण पाहिला असेल संपूर्ण शिवसेना उभी आहे 26 तारखेला मालेगावच्या जाहीर सभेत संपूर्ण शिवसेना तुम्हाला उचलून आलेली दिसेल। शिवसेना जागेवरच आहे 2-5 तारखे इकडे तिकडे गेली असती पण शिवसेना जागेवर आहे। थँक्यू।